नोएडा सेक्टर 50 के कम्युनिटी सेंटर में नागरिकता कानून को लेकर जन जागरण अभियान के तहत गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल ने शिरकत की। इस दौरान प्राइम न्यूज संवाददाता ने गोपाल कृष्ण अग्रवाल से खास बात की। हमारे साथ में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रामकृष्ण अग्रवाल जी, आइए इनसे जानते हैं क्या प्रोग्राम रखा गया था। क्या देखिए, आज यह जो जन जागरण अभियान के तहत सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो पूरे देश में अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे कार्यक्रम हो रहे हैं, ये आउटरीच का प्रोग्राम है ताकि यहाँ के प्रबुद्ध लोग, नोएडा ग्रेटर गौतम बुद्ध नगर के लोगों को यहाँ पे बुलाया गया था। और जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं, मिस इन्फॉर्मेशन दिए जा रहे हैं, लोगों की जेन्युइन कोई क्वेश्चंस हैं उनका समाधान हो, परिचर्चा के रूप में यहाँ अलग अलग संगठन, लगभग 10-12 संगठन के पदाधिकारियों को यहाँ बुलाया गया था और उनके साथ एक विस्तृत चर्चा हुई। यहाँ पे हमारे साथ श्री मुफ्ती शमूम कासमी जी थे और अपने पूर्व DGP विक्रम सिंह जी ने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की। मैंने पूरे विषय को रखा और जो बहुत सारे लोगों के प्रश्न आए जिसका समाधान हम लोगों ने प्रयास किया करने का। सर, जनजागरण अभियान पूरे उत्तर भारत में चला जा रहा है, उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, ये आउटरीच प्रोग्राम है, ये अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग लोग, अलग अलग पार्टी के पदाधिकारी जाके जनता के साथ संवाद स्थापित कर रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से मिल रहे हैं और जन जागरण का कार्यक्रम कर रहे हैं। क्योंकि हम मानते हैं कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है किसी तरफ से अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं है, उसमें उनका कोई हानि होने वाला नहीं है। यह नागरिकता देने का कानून है, लेने का कोई इसमें प्रावधान नहीं है और यह आवश्यकता है क्योंकि वहाँ पे 3 देशों में बहुत सारे प्रताड़ित लोग हैं धर्म के आधार पर, 6 कम्युनिटी के, उन लोगों को नागरिकता देने का इसमें प्रावधान है और विपक्ष के लोग और कुछ लोग मिलके भ्रांतियाँ फैला के लोगों को बरगला रहे हैं और वायलेंस को इंस्टिगेट कर रहे हैं, जिसको रोकना बहुत ज़रूरी है। सर, प्राइम न्यूज़ के माध्यम से जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं जनता को संदेश देना चाहता हूं कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के किसी प्रावधान में उन्हें किसी भी तरह की कोई दुविधा है तो वो भारतीय जनता पार्टी मुझे या व्यक्ति किसी भी अपने सीनियर क्षेत्र के लीडर के साथ अपने प्रश्न रख दें, उनके हम जवाब देंगे और उसके बाद कोई माकूल सजेशन आते हैं और जो लगता है कि उन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करना चाहिए तो जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत रूल बनने हैं, प्रोसेस बननी है, उसके अंदर उनके समाधान कर दिए जाएंगे। सर, जो 2014 से लेके जो इंडिया में आ चुके हैं और जो दिसंबर तक भी आ चुके हैं, उसके सर क्या हुआ? नहीं, अभी ये जो अभी वर्तमान कानून है, यह 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में जो लोग आ गए हैं और इन 3 देशों से आए हैं और ये 6 कम्युनिटी से हैं, हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध, पारसी और क्रिश्चियन, तो उनके इस नागरिकता देने का इसमें प्रावधान है। नोएडा से विजय गोयल, प्राइम न्यूज़।